हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों को मैं लाइव दिखाऊंगा किस तरह से स्वास्थ्य साथी कार्ड अप्लाई किया हुआ को किस तरह से स्टेटस को देखते हैं, चेक करते हैं अपना मोबाइल से। जितना भी इस वीडियो को देख रहे हो, नया आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो इसी तरह मिलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। हेलो गाइस, सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर जाकर क्रोम ब्राउजर खोलना है। खोलने के बाद दोस्तों, सिर्फ खोलने से नहीं होगा, क्या करना है आप शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और आप भी कर सकोगे। इस वीडियो को देखकर सीखने को मिलेगा ऑल डिटेल्स। जितना भी मैं बताता हूँ, मैं बहुत इजी सिंपल वे बताता हूँ ताकि हर किसी को यानी कि सबों को समझ में आए। और जितना भी आप देखोगे वीडियो पर, उस वीडियो को देखकर यूट्यूब पर, उस वीडियो सब को देखकर आपको समझ में नहीं आएगा जितना इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा। इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जितना भी इस चैनल में नया आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो इसी तरह मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। इस तरह से खोलना पड़ेगा, स्वास्थ्य साथी कार्ड अप्लाई करने के बाद देखने के लिए स्टेटस किस तरह से चेक करते हैं अपना मोबाइल पर, लाइव देखिए। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर खोलकर यहाँ टाइप करना है स्वास्थ्य साथी चेक बोलकर, उसके बाद इस तरह से क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, देखिए नीचे फाइंड योर नेम, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा गाइस, देखिए स्वास्थ्य साथी, ये स्वास्थ्य साथी का लोगो है देखिए। और नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ देखिए फाइंड योर नेम, पहले मोबाइल नंबर डालना है। आप अप्लाई करते वक्त जिस मोबाइल नंबर को आप दिया हुआ है उसी नंबर को फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे फाइंड नेम फॉर इसमें क्लिक करना है, दूसरों का या खुद का, यहाँ खुद का देना है योर सेल्फ। उसके बाद नीचे सबमिट है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आ जाएगा, देखिए स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम सिलेक्ट बाय, क्या से आप सिलेक्ट सर्च करोगे देखिए, यहाँ पर RSBYURN मीन्स ये भी एक कार्ड ही है, आधार कार्ड या फॉर्म भी आईडी नंबर से यानी कि खाद्य साथी रेशन कार्ड नंबर से भी कर सकोगे। चलिए देखते हैं किस तरह से सर्च करते हैं यानी कि स्टेटस को देखते हैं। सबसे पहले स्टेट में वेस्ट बंगाल लगाना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लगाना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट मेरा अलीपुर है, अलीपुर लगा दिया हूँ। और यहाँ सिलेक्ट बाय इसमें क्लिक करता हूँ, उसके बाद आधार कार्ड से करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड और सॉरी यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ है सिलेक्ट करना है, उसमें भी ब्लॉक मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक सिलेक्ट करना है, ब्लॉक नेम यहाँ पर लगाना है मेरा अलीपुर है, अलीपुर लगाए और सॉरी मेरा कुमारगराम है, कुमारगराम सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट जीपी मेरा है कुमारगराम सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर देखिए विलेज लिखा हुआ है, मैं दक्षिण हल्दीबड़ी लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ आधार कार्ड से सर्च करूँगा, देखिए यहाँ आधार कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर
आधार कार्ड नंबर डालना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ सबमिट लिखा हुआ है नीचे, उसमें सबमिट करना है। उसके बाद देखिए लाइव, यहाँ जितना भी फिल किया हूँ देखिए, फिलअप करने के बाद यहाँ पर आ गया है देखिए, मेंबर नेम, कैटेगरी, हेड ऑफ द फैमिली, एड्रेस, जेंडर, एज, रिलेशन। देखिए कार्ड बनने के बाद यहाँ पर यूआरएन नंबर आ जाएगा गाइस। इसी तरह आप भी चेक कीजिए और आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड का स्टेटस देखिए, हुआ है कि नहीं, बना है कि नहीं, अप्लाई हुआ है कि नहीं, उसको देखने के लिए इसी तरह से आप फिल कीजिए। इस वीडियो को देख लिया गाइस, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होने से प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।